यार आज ना मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। मेरे घर का भाई पिलर यहाँ पे टूट चुका है दो दो भाई। कभी भी ये छत ना मेरे ऊपर टूट के गिर सकती है भाई। मैंने इस गांव के सरपंच को बोला बट उन्होंने बोला कि वो ठीक कर देंगे लेबर, बट भाई एक हफ्ता बीत चुका अभी भी इन लोगों ने कुछ भी ठीक नहीं किया। देख रहे हो यहाँ पे काई जम चुकी है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो पड़ोसी है उनके घर पे भाई ये सब क्या है भाई, हम लोग भूतिया गाँव में रह रहे हैं क्या भाई? कोव लग चुका है, घर वर टूट चुका है। यहाँ पे देख सकते हो जो लकड़ी है ना वो सब गीला हो चुका है भाई, सड़ चुका है। ये क्या है भाई, रास्ते के बीच में कूड़ेदान कौन रखता है? यहाँ पे क्या हाल हो रखा है? यहाँ पे फार्म का हाल देखो भाई, फार्म में पानी सूख चुका है, सब कुछ टूट फूट गया है, कोव जम गया है। इंसेक्ट तुम चिल्ला क्यों रहे हो? क्या मतलब मैं चिल्ला रहा हूँ? मैं चिल्लाऊ ना तो मैं क्या करूँ? तुम लोगों ने देखा है कि गाँव का क्या हाल हो रखा है? हाँ, गाँव में सब कुछ टूट रहा है, सब कुछ ढह रहा है, सब कुछ सड़ रहा है यार। हाँ तो ये काम हम लोगों ने मेयर को दिया था जो सरपंच हमारे गाँव का, उन्होंने बोला की वो ठीक कर देगा लेबर से, बट अभी तक नहीं करवाया भाई। कुछ दिन बाद यहाँ पे हम लोग मर जाएंगे, ज़ॉम्बी आके भूत आके यहाँ पे राज करेगा। तो इंसेक्ट तुम ये बोलना चाहते हो कि अगर तुम इस गांव के सरपंच होते तो तुम इस गांव को हजार गुना ज्यादा बेहतर बनाते? हूँ हजार गुना तो नहीं, बट हाँ मैं ऐसे बीच रास्ते पे कूड़ेदान तो बिल्कुल नहीं रखूंगा। और ये कुएं को देख रहे हो, ये कुआं पूरा सूख चुका है, गंदा जम चुका है। ये पानी पीते भाई हम लोगों को पता है कितनी सारी बीमारी लग सकती है। इंसेक्ट तुमको पता है कि विलेजर्स बिल्ड बनाने में कितना ज्यादा माहिर है बाकी सारे लोगों से, इवन माइनक्राफ्ट प्लेयर से भी अच्छा हम लोग घर वगैरह को कितने अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं। हाँ दिख रहा है मुझे कि आप लोग कितना ज्यादा अच्छा काम करते हो ना, लोग कितना अच्छा रिपेयर करते हो। यहाँ पे खिड़की विड़की सब टूटी हुई है, पूरा बैंड बजा पड़ा है गांव का, बहुत अच्छा काम करते हैं विलेजर है ना भाई। हमारे गांव के बीच में इतना ज्यादा गंदगी क्या कर रहा है? ये तो वो कीचड़ होता है ना भाई। सही में हमारे गांव से ना अभी भी बहुत ज्यादा गंदी बदबू आती है। और यहाँ पे देखो इतना बड़ा गड्ढा क्या कर रहा है? ये गड्ढा अभी तक रिपेयर क्यों नहीं हुआ है? मुझे हमेशा ऐसे जम करके जानी पड़ती है? मैं इंसान हूँ कि बंदर हूँ कि कूद कूद के जाऊँ मैं? अच्छा ठीक है इंसेक्ट, चलो तुम जो इतना चिल्ला रहे हो ना तो एक काम करते हैं, हम लोग इस गांव को दो हिस्से में बांट देते, बीच में से एक लाइन खींच देते, एक साइड पे हम लोग विलेजर्स रहेंगे और एक साइड पे तुम रहोगे। आप लोग गांव को दो हिस्से में बांटने की बात कर रहे हैं? हाँ ये बहुत ही ज्यादा अच्छा आइडिया। और मेरे घर पे ना एक पेंट का डिब्बा पड़ा है, मैं उसको लेके आता हूँ और बीच में से एक लाइन बना देता हूँ। यार शर्मा जी तो कुछ सुना ही नहीं, वो तो चले गए यार गाँव को दो हिस्से में बांटने में, क्यों हम लोग मिलके भी तो काम कर सकते हैं। चलो फिर हम लोग एक दूसरे को एक दिन का टाइम देते और फिर एक दिन बाद जिसका आधा गाँव सबसे ज्यादा बेहतर दिखेगा उसको एक पुरस्कार दिया जाएगा और गाँव को सुंदर बनाने के लिए उसका हमेशा सम्मान करा जाएगा। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, मैं अब इन विलेजर्स को दिखा दूंगा कि इंसेक्ट कितना अच्छा बिल्डर है, उसका दिमाग कितना ज्यादा तेज है। मैंने देखो पूरी लाइन तो मैंने बना दी है, अभी ये विलेज पूरा दो हिस्सों में बंट चुका है भाई। विलेज को दो हिस्सों में बांट दिया यार, क्या जरूरत थी यार, सब लोग मिलके रहते थे यहाँ पे भाई, ऐसा लग रहा है मेरे को अलग कर दिया यार, ऐसा करने की क्या जरूरत थी। ओए इंसेक्ट तुम हमारे बॉर्डर के इस पार नहीं आ सकते? अच्छा ठीक है मैं नहीं आऊंगा आप लोगों के उस साइड पे, मैं एक दिन के अंदर ना प्रूफ करके रहूंगा कि आप लोगों से मैं बहुत अच्छा इस विलेज की केयर कर सकता हूँ। शर्मा जी आप कितना बेकार हो यार, क्या दिमाग खराब वाली चीज है गाइस। और हाँ मैं सॉरी यार तुम लोगों का स्वागत करना तो भूल ही गया, वेलकम बैक गाइस तुम सब का मेरे एक न्यू वीडियो पे। और गाइस आज ना मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बिना मैं मेरे गोडाउन पे जाने वाला हूँ, मैं मेरे गोडाउन से ना मैं कुछ चीजें लेने वाला हूँ। मैंने एक गोल्डन हेलमेट ले लिया, इसको मैं पहन लेता हूँ सुरक्षा के लिए। मेरे हाथ पे ये स्टोन ब्रिक्स देख रहे हो ना, तो अब ना मैं ये जो रास्ता है ना ये जो कंकड़ से भाई बनाया गया है ये ना यार पैरों पे बहुत चुभती है भाई, पैर चलो तो यार जूते में घुस जाता है ये, फिर घर भाई गंदा होता है। तो मैं ये सारे जो भी ग्रेवल है ना ये कंकड़ है ना इन सबको मैं हटा दूंगा और यहाँ पे एक सुंदर प्यारा सा ना मैं स्टोन ब्रिक्स लगाने वाला हूँ। ग्रेवल है ना ये सिर्फ ये गड्ढे भरने के लिए होता है, ना कि यहाँ पे रास्ता बनाने के लिए। भाई ये लोग कितना बेकार है, कोई बात नहीं मुझे तो अच्छे से भाई मेहनत करनी है और इस विलेज को इतना ज्यादा मैं सुंदर दिखाने वाला हूँ ना भाई, ये लोग पूरा शॉक हो जाएंगे कि ये क्या बना दिया। पूरा स्टोन ब्रिक्स से ये रास्ते को हर जगह पे रिप्लेस कर देता हूँ। वाओ यार अब देखो ये कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है ना, रोड एकदम स्मूथ भाई, ना तुम्हारे पैरों में लगेगी ना कुछ। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक प्यारी सी स्मूथ एक स्टेयर भी लगाई है। यस और यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ मेरे साइड का ही किया है जितना भी ये स्टोन ब्रिक्स लगाना था, बहुत ही बढ़िया। अब मैं इन घरों की भाई थोड़ा सा देखभाल करता हूँ कि इन घर को मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ ना। मैं ये सारे जितने भी लकड़ियां है ना इन लकड़ियों को मैं चेंज करता हूँ, मैं मेरे गोडाउन में जाता हूँ, मैं बढ़िया वाला भाई प्लैंक्स लेने वाला हूँ, ये सारे सड़े हुए हटाओ ये वाले से बदल दूंगा जो कि बहुत ज्यादा सुंदर दिखने वाला है। इवन मेरा घर का भी भाई मैं चेंज करूंगा। नाइस नाइस अच्छा लग रहा है यार, देखते कि यार ये विलेजर ने क्या किया है। क्या बस उन लोगों ने ये कूड़ेदान को हटा दिया और खिड़की को भाई बस रिपेयर कर दी, इतना ही। और एक सेकंड ये देखो इधर भी भाई ये कचरे का ढेर है भाई, इसको भी उन लोगों ने अभी तक ठीक नहीं किया, इससे तो बदबू आ रही है ना। कहां चले गए भाई ये लोग, क्या मौज मार रहे हैं, पार्टी वार्टी कर रहे हैं क्या भाई? छोड़ो यार इन लोगों को छोड़ो। मैंने तो यहाँ पे देख सकते हो सारा भाई वो प्लैंक्स को चेंज कर दिया, मेरे साइड के जितने भी घर थे उन सबका मैंने पूरा बदल दिया। भाई शर्मा जी की टीम तो आज बहुत बुरा वाला हारने वाली है। अब ना मैं इन पत्थरों पे ध्यान देता हूँ जो कि है ये कोबल
कोबलस्टोन इन पे भाई काई जम चुकी है, क्योंकि ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है। मैं काम करता हूँ, इन सारे कोबलस्टोन को ना मैं चेंज कर देता हूँ, सुंदर बना देता हूँ। ना ये रहे वो सारे के सारे कोबलस्टोन। तो ये देखो, अगर मैं इसको लगाऊ, देखो ये कितना ज्यादा सुंदर है। और सोचो कि ये मेरे सारे यहाँ के रूम में अगर लग जाएगा ना, ज्यादा ये मस्त लगेगा ना भाई। ये एकदम ही न्यू और कलर करा गया है, अच्छे से बनाया गया है भाई। डिटेलिंग देख रहे हो कितना ज्यादा मस्त लग रही है ना। मैंने सब कुछ बदल दिया और अब देखो हमारा गांव कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, वो भी ओनली मेरे साइड का। ये लोग तो देख के जलस फील करने वाले भाई। ये चर्च को देखो मैंने क्या मस्त बना दिया है। अभी देखते कि ये लोगों ने क्या करा है। ओके, इन लोगों का कुछ तो भाई उन्नति तो हुआ है भाई। ये देखो यहाँ पे ये ग्लास को इन लोगों ने चेंज करा है भाई, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इन लोगों ने डोर को बदल दिया है और यहाँ पे एक डॉग हाउस भी लगाया है, बैठने के लिए जगह भी बनाया है। मुझे भी ऐसे ये चीज बनाना था, मैं भी सोच रहा था। यहाँ पे ये शर्मा जी क्या कर रही है, देखो वो कचरे के ढेर के ऊपर कुछ तो कर रहा है। शायद शर्मा जी उसको साफ करने का प्लान कर रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ कमी लग रही है, बस ये कोबलस्टोन को चेंज करना और प्लैंक्स को चेंज करना मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा। क्या हो, यहाँ पे बहुत ही सुंदर एंड प्यारी प्यारी चीज हो, जैसे कि लाइक रियल लाइफ में होती है। देखो मैं गोडाउन से क्या चीजें लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे मेरे हिसाब से एक बेंच होनी चाहिए बैठने के लिए, दूसरा बेंच यहाँ पे लगा देता हूँ। उन विलेजर ने भाई वहाँ पे क्या कचरा गंदा वाला जो रोड साइड पे डस्टबिन होता है वो लोग उसको यूज कर रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा ही रियलिस्टिक वाला यूज करूंगा। पंछियों को भी गाइस थोड़ा सा पानी पिलाने के लिए यहाँ पे ये चीज मुझे रखनी चाहिए। ये भाई पंछियों को पानी पिलाने के लिए भाई एक फवारा बोल सकते हो। एनिमल्स का भी गाइस हेल्थ का ध्यान रखनी है। तो मैं यहाँ पे थोड़े बहुत और बेंचेस लगाता हूँ, एक बेंच यहाँ पे, वही था डस्टबिन। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, मैं ऐसे ऐसे चीज लगाने वाला हूँ ना, पूरा गाँव का लुक बदल जाने वाला है, तुम लोग देखो बस एक बार। मैं ना यहाँ पे थोड़े बहुत लाइटें लगाता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। यस, रिसेंटली हम लोग का त्योहार आ रहा है ना होली भाई, होली के लिए गाइस हमारा गांव भी अच्छा दिखना चाहिए ना। देखो कितना ज्यादा मैंने लाइटें लगा दिया यहाँ पे। गाइस मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, रात के टाइम पे कितना ज्यादा सुंदर लगेगा, तुम देखो। जो छोटे छोटे जो विलेजर्स आते हैं ना, जो कि बच्चे होते हैं, तो उनके गाइस खेलने के लिए ना मैं यहाँ पे एक स्लाइड लगाने वाला हूँ। हम लोग ऐसे लगा देते और हैंगिंग के लिए भी यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे लगाते एंड देन इसको हम लोग यहाँ पे लगाते। ये देखो, ये देखा है ना गाइस हम लोगों ने पार्क वगैरह पे। और मैं हमेशा से ना एक चीज करना चाहता था, जो कि हर विंडो के नीचे यहाँ पे ऐसे करके थोड़े बहुत पौधे रहने चाहिए। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी विंडो दिख रहा है ना, वहाँ पे मैं ये छोटे छोटे पौधे लगाऊंगा। एंड ये हो गया डन। वाओ, देखो अब देखो हर घर के बाहर यहाँ पे मैंने एक एक करके मेल ब्लॉक बॉक्स लगा दिया है। यहाँ पे मैंने टैप कॉल भी गाइस नल जो होता है वो भी लगा दिया है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे मलाये लगा दी जो की लाइट से। यहाँ पे मैंने पंछी के लिए पानी लगा दिया, यहाँ पे ऐसे बैठने के लिए हम लोग ने बेंच भी लगा दिया, यहाँ पे डस्टबिन भी है और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी मैंने एक छोटी सी पार्क भी बना दी है। मेरा तो पूरा फिनिश हो चुका है, देखते इन लोगों ने क्या बनाया है। ओके, थोड़े बहुत लाइट वाइट लगाया इन लोगों ने, बुरा नहीं है, अच्छा लग रहा है। इंसेक्ट मेरे को बुला रहा है। अरे आ गए तुम लोग, तुम लोगों का हो गया सब कुछ बनाना। हाँ, हम लोगों ने तो कर दिया। एंड वाओ, तुमने इतना सुंदर कोबलस्टोन कहाँ से लगाया? ये सारा बहुत सारा मेहनत है, मैंने न्यू कोबलस्टोन ले आके सारे मेरे साइड के पूरा विलेज को मैंने बदल दिया। खैर अब रात हो चुकी है और अभी हम लोग एक दूसरे के बॉर्डर के पर जा सकते हैं। ओके, मैं आ सकता हूँ तुम लोगों के साइड पे? थैंक यू सो मच। चलो मैं अब देखने वाला हूँ इन लोगों के साइड पे क्या है। अरे ये क्या है, ये तो अभी भी यहाँ से बास क्यों मार रहा है, ये क्या है? क्या बनाया, ऐसे क्या मतलब है? यहाँ पे कैंप फायर के पास हम लोग बैठ सके इसलिए ये बनाया है। यार तुम लोग क्या गधेड़े लोग हो यार, यहाँ पे अभी भी वो कीचड़ वाला मिट्टी क्यों नहीं हटाया है पूरा? हे भगवान, तुम लोगों से कुछ भी नहीं होगा यार, सीरियसली। और यहाँ पे कुत्ते का घर, शर्मा जी यहाँ पे रहने वाले हो क्या? इंसेक्ट तुमने क्या बोला? मेरे को कुत्ता बोला तुमने? मजाक कर रहा था मैं। देखो तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, अभी आ जाओ मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ मेरे साइड का। यहाँ पे मैंने एक डाइनिंग टेबल रखा है आसमान के नीचे डिनर करने के लिए। यहाँ पे मैंने बहुत सारे लाइटें लगाया है। वाह यार, यहाँ पे देख सकते हो मैंने बेंचे भी लगाया जहाँ पे बैठ सकते है छोटे छोटे बच्चों के लिए। देखो मैंने ये तुम लोगों के लिए बनाया है, ठीक है, कि यहाँ पे तुम लोगों के जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं वो बच्चे आके यहाँ पे खेल सकते कूद सकते। यहाँ पे कासल भी है, छोटे छोटे डॉल हाउस भी है, उसके अंदर एक छोटा सा डॉल भी है, यहाँ पे बास्केटबॉल भी है। मैंने इस चर्च को पूरा वापिस से बनाया, मैंने यहाँ पे इस पड़ोसी का घर का पूरा बेहाल था मैंने वो भी चेंज किया।
क्या हो गया? तुम तीनों चुप क्यों हो पूरा? वो कुछ नहीं इंसेक्ट, क्या मैं आज रात तुम्हारे साइड वाला विलेज पे गुजार सकता हूँ? मैं भी चाहता हूँ, और शायद मैं भी चाहता हूँ। तुम लोगों को मेरे साइड पे रहना है? ठीक है गाइस, मैंने बोला था ना तुम लोगों को मेरे साइड पे रहनी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं रहने दूंगा, इतना भी मैं बुरा नहीं हूँ। धिक्कारे इंसेक्ट, अगर तुम हम लोगों के साथ मिलके पूरा गांव को अच्छे से डिजाइन करते तो गांव कितना सुंदर दिखता। ये बात मैंने पहले नहीं बोली थी कि साथ में मिलके पूरा विलेज को करते? प्लीज हमें भी सिखा सकते हो क्या तुम कि इतना सुंदर डिजाइन कैसे बना सके? हाँ इंसेक्ट, मैं तो तुम्हारे पापा के उम्र का हूँ ना, तो तुम हमारे साइड के विलेज को भी थोड़ा सुंदर बना दो। मुझे इनका साइड का भी कर देना है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। शर्मा जी इधर आओ। ओए सफेद बुड्ढा इधर आ। देखो मैं तुम लोगों का भी विलेज का कर दूंगा, डोंट वरी, मैं सब कुछ पूरा अच्छा बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पूरा एक फैमिली है। बट देखो यार आज नहीं कर पाऊंगा, देखो सूरज ढल रहा है, ये सोने का टाइम आ रहा है, रात हो रहा है। बट तुम लोग यहाँ पे आके कोई भी घर वर चूज कर लो, ठीक है? मैं जा रहा हूँ मेरे घर पे सोने, चलो। इनसे तो बहुत होती है गाइस, आज मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ यार, मेरा कमर वमर दर्द हो रहा है ना। और इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी मार दो ऐसे बढ़िया और भी वीडियोस देखने के लिए। और हाँ गाइस, हमारे इस गांव का क्या नाम रखा जाए तुम लोग कमेंट में सजेस्ट करो। मैं मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।